दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। हमें एक डिब्बा दिया हुआ है जिसमें दो सिक्के प्रारूप ए के और एक सिक्का प्रारूप बी का है रखे हुए प्रारूप ए के सिक्के को पलटने पर उछलने पर चित आने की प्रायिकता एक बटा चार है या दशमलव तो पांच है जबकि प्रारूप बी के शिक्षे को पलटने पर उसके चित आने पर की प्रायिकता तीन बटा चार या दशमलव सात पाँच है तो डिब्बे में से अगर कोई एक सिक्का यादशिक रूप से निकाला जाता है और उसे पलटा जाता है या उछाला जाता है तो उस पलटे हुए सिक्के में चित आता है इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि वह अगर चित आ जाता है यह हमें बता दिया गया घटना कि जो भी सिक्का हमने याचिक रूप से निकाला उसे पलटा तो उसमें चित आ गया अब यह प्रायिकता क्या है कि वह सिक्का प्रारूप एक का था तो इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं ये अगर हम माने कि ए उस घटना को दर्शाता है कि प्रारूप ए का सिक्का उछाल गया था और बी जो कि पूरक है घटना ए का यह दर्शाता है कि बी प्रारूप का सिक्का उछाला हमें घटना के बारे में पता है कि जो भी सिक्का उछाला जाता है उसमें चित आता है लेकिन हमें यह पता करना है कि वो सिक्का प्रारूप ए का है इसकी प्रायिकता क्या होगी तो हमने मान लिया उन घटनाओं को तो घटना ए की पूरक है घटना बी अब यह हमें ज्ञात है कि जो भी सिक्का उछाला जाता है उसमें चित आता है तो उसके प्रारूप ए के होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता की गणना हम साक्ष के बाद किसी घटना के अनुकूल संयुगानुपात के रूप में कर सकते हैं जिसको कि हमने अभी पहले पुनरावलोकित किया है तो आपको याद होगा कि हमने इस तरह के सूत्र का, का वर्णन किया था कि अगर हमें कोई घटना ज्ञात होती है तो संयोगानुपात परिवर्तित होता है वो परिवर्तित संयोगानुपात पूर्व संयोग अनुपात जब कभी घटना के बारे में नहीं पता है को एक नया अनुपात जो कि ज्ञात नया साक्ष्य की उन दो घटनाओं को जिसमें कि घटना के होने के और घटना के न होने के यहाँ पे हमने उसको ए और बी से निर्देश किया है कि प्रतिसंबंध प्रायिकता के, के अनुपात के गुणन के बराबर होगा तो इस तरह आप हम देख सकते हैं कि प्रश्न के कथनानुसार दिए हुए जो भी दिए हैं उसके साथ हमको पहले पता है कि उस डिब्बे में तीन सिक्के हैं तो दो सिक्का जो है वो प्रारूप एक का है तो उनकी निकालने की प्रायिकता किसी एक सिक्के की प्रारूप एक है होने की प्रायिकता दो बटा तीन होगी इसी तरह दूसरा सिक्का जो पी का है उसकी प्रायिकता एक बटातीन मिलेगी वो सिक्का एक ही है अब हमको ये पता है कि अगर प्रारूप एक का सिक्का निकाला जाता है तो उसके चित्त आने की प्रतिसंबद्ध प्रायिकता क्या होगी आप प्रश्न के कथन को पुनः देखते हुए आप ये जान सकते हैं कि वो प्रायिकता का मान एक बटा चार और तीन बटा चार दिया हुआ था तो अतः ये सब प्रायिकताओं को हम इस तरह रखकर कसलित कर करने पर इस संयोगानुपात नए संयोगानुपात को साक्ष्य के मिलने के बाद कि यहाँ पर साक्ष्य क्या है कि चित्त हमें आता है कोई भी सिक्के को याचिक रूप से चुनने के तो यह मान आता है दो बटा तीन तो अनुकूल संयुगानुपात दो बटा तीन से एक का समतुल्य रूप से यह दर्शाता है कि एकचित प्रायिकता यहाँ है घटना ए जब की जबकि घटना दी हुई है कि चित आता है सिक्के में यहाँ घटना ए प्रारूप ए के सिक्के को चुनने की है तो उसका मान दो बटा पाँच हम लिख सकते हैं यह काफ़ी आसानी है आपको पता होगा कि अगर हमें संयोगानुपात दिया है तो किसी घटनाओं के ये आप निकाल सकते हैं